भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग से आने वाले नेता नायब सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है। कांग्रेस नेता पिछले दिनों से एससी वर्ग की बात कर रहे हैं और उनका खूब नाम ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर सही में कांग्रेस एससी वर्ग की हितैषी है तो उन्हें हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री एससी समाज से होगा, इसकी घोषणा करनी चाहिए। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व कुमारी शैलजा को हरियाणा से मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित करें ताकि लोगों को पता चले कि कांग्रेस एससी समाज की कितनी हितैषी है। लोगों ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा एससी समाज का हितैषी होने की बात करने पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, आइए आपको बताते हैं। कांग्रेस का राज में सुन लो एक बात, तो 3 सालों अध्यक्ष बनाया थी कांग्रेस ने, वह इसकी उड़ाना इतनी बेइज्जत करके रखी, इतना अध्यक्ष रही वाट हुआई, अशोक तंवर बन गया, दलित था वो भी, दिल्ली में पिट गया, उसका अस्पताल लग में दाखिल रहा। यूं कांग्रेस का राज में सुन लो एक बात, तो 3 सालों अध्यक्ष बनाया थी कांग्रेस ने, वह इसकी उड़ाना इतनी बेइज्जत करके रखी, इतना अध्यक्ष रही वाट हुआई, अशोक तंवर बन गया, दलित था वो भी, दिल्ली में पिट गया, उसका अस्पताल लग में दाखिल रहा। यूं दलितों का विरुद्ध इतने बड़े बड़े लीडर पीटन की हिम्मत रख है कांग्रेस के, उड़ा और दलित का भला कर सकाई। जो अपना बाबू बेटा ने नहीं हो रही है कुर्सी पै जो था ना हरियाणा ने लूट लियो बस सारा ने, इनका कोई मतलब नहीं दलित ओबीसी का, जब सत्ता का बैरो फिर दलित रिंती किसान मजदूर सारे याद आवे इनका, नहीं इनका कोई मतलब नहीं, तय तो इनका जमीन किसान नहीं बेच के खा गए सारी रोबर्ट वाडर अगला मिल के, इनकी दलित दो अध्यक्ष बने हैं, दो इनकी पीठ के बैर करे हैं, स्टेजा लग पता फंकी असल जी एक औरत होंगे उन्हें दलित, एक बारी बोल भी नहीं सकता, कोई कैद भी नहीं सकता, उड़ा कहन लग रहा सी एम तेन कहने पूरा तो यू कह मैं हूँ सुरजाला सैलजा ने बोलिया बेचारी ने ले उसकी आगे टिकट लग भी लेने देंगे एम एल ए की, हाँ कहते दलित का तो जमा विरोधी है हाँ कांग्रेस की है, अगर दलित का उसमें इतमें नहीं हाँ किसी दलित चेहरे को आगे लेकर आओ भाई सी एम इस्ती बनावा एक बारी बयान तो दुआ दे किसी का यहाँ नहीं देंगे दे। राहुल और नैनी हो रही एक बारी उड्डा बन जाए फिर अपना रॉबर्ट वाडर और जमीन बेच बेच के खाएंगे हरियाणा की, दलित कोई मान सम्मान नहीं। यही संदेश देना चाहूँगा कि कांग्रेस सरकार जो आज दलित समाज का या कोई भी नारे लगा रही है जो, ठीक है, तो भाजपा सरकार ने जैसे नायब सिंह सैनी जी को बनाया है तो कांग्रेस सरकार अगर ये दलित को कह रही है तो कुंवारी शैलजा जी को बनाओ सीएम जी, तो उसमें अपना उनका पता लगेगा कि वो दलित समाज को आगे रख के चल रहे हैं। अब वो नारे लगा रहे हैं कि दलित समाज का आगे करो ये करो, तो जैसे भाजपा सरकार ने नायब सिंह सैनी जी को बनाया है वैसे आप भी अपना अनाउंस करो कि कुमारी शैलजा जी को आगे लेके आए, सीएम का नाम अनाउंस करें। कांग्रेस सरकार नोली झूठ बोल रही है, कांग्रेस सरकार कुमारी शैलजा से आप लेके चलो, कुमारी शैलजा को सारी उम्र होगी, उन्होंने एक बार भी आज तक मुख्यमंत्री का चेहरा कुमारी शैलजा को नहीं दिया, अब भी आज भी कल भी उसकी बयानबाजी थी भाई मैं मुख्यमंत्री बनने के लायक हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ, जबकि कांग्रेस के किसी भी लीडर की, बड़े लीडर की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कांग्रेस पार्टी नोली झूठ बोल रही है, ये जो अब एमपी के चुनाव हुए थे ये झूठ बोल के भाई बीजेपी सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है, ये करना चाहती है, झूठ बोल के वोट ले गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था बिल्कुल भी।